चूत खेलना मत बन चूत। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर बॉय ने बोला ना बोला बाकी चूत तेरी यार, तेरे ट्रिकी वाले के बाकी चूत और तेरे टोटल वाले के बाकी चूत, ऐसा बोल देना। नेक्स्ट टाइम बोला ना, नेक्स्ट टाइम खेलना मत बन चूत यार, बाकी चूत टूर्नामेंट की यार। देखो भैया, ऐसा है कि आज हम बात करने वाले हैं फ्री फायर कम्युनिटी के सबसे बड़े संस्कारी इंसान के बारे में, या फिर तुम यू कह लो फ्री फायर कम्युनिटी के सबसे ज्ञानी पुरुष सुजान के बारे में। लौंडा इतना संस्कारी है तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छी लंड मेरा क्या बोल रही है। अब वो बात अलग है कि ज्ञान का प्यार और ज्ञान की हरकतें नॉर्मल इंसान से अलग है, नॉर्मल इंसान इसको नहीं समझ सकते। उसके प्यार को समझने के लिए तुम्हें ज्ञानी पुरुष बनने की जरूरत, तुम सही जगह पे आए हो यार। देखो तुम लोग वीडियो तो पूरा देख लेते हो, उसके लिए तुम्हें दिल से थैंक यू, बट यार तुम लोग लाइक नहीं करते हो, कर दिया करो यार। अब देखो ये तुम सभी जानते हो कि ये कोई बड़ी बात है नहीं, हमेशा ऐसा होता रहता है फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर, दोनों हमेशा कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं आपस में, बट पता है इसमें ऑडियंस को बहुत ज्यादा मजा आता है। और यार मुझे ना दिल से बहुत बुरा लगता है ज्ञान सुजान के लिए। अच्छी लंड मेरा तो देख ले, ठीक है पहले वीडियो देख ले बहुत तरीके। अब देखो ये तो वही बात हो गई कि हमने तुमको बुलाया खाने पे, तुम आए, हमने तुम्हारी गांड मारी, फिर तुम अपनी औकात पे आके बाप बाप चिल्लाए। चूत बन चो, तू टूर्नामेंट की बाकी चूत खेलना मत बन चो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम बोला ना बोला बाकी चूत तेरी यार, तेरे ट्रिकी वाले के बाकी चूत और तेरे टोटल वाले के बाकी चूत, ऐसा बोल देना। नेक्स्ट टाइम बोला ना, नेक्स्ट टाइम खेलना मत बन चो यार, बाकी चूत टूर्नामेंट की यार। बट यार इसमें मुझे ज्ञान का समझ नहीं आता, अभी वो उस भड़बे को अपना बाप बना लेता है। तो अज्जू भाई का अपने फ्रेंड को बोल दे एक बार, अज्जू भाई की जो स्पम चलती है ना, अज्जू भाई तेरा बाप है, अज्जू भाई किंग है, बस ये बंद करा दे अज्जू भाई किस तरह, ठीक है। वही थोड़ी देर बाद उस बाप की मां चोद देता है, चूत तेरा टोटल गेम की बाकी चूत, ऐसा बोल देना। देखो ये अज्जू भी एस ज्ञान है ना, ये कोई नई बात है नहीं, ये बहुत समय से चलता आ रहा है। जब भी ऐसे लफड़े होते हैं मैं ना यार ज्ञान के दुख को अंदर ही अंदर फील करता हूँ। तो अज्जू भाई ने मेरे को इस बार टूर्नामेंट से पूरा बाहर कर दिया, टूर्नामेंट से पूरा बाहर कर दिया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। अब देखो यार बेचारे को हर बार डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कोई इज्जत ही नहीं है 14 मिलियन पिकाचू की। और जब दोनों लड़ते हैं यार मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है पिकाचू किसको चूज करेंगे, क्योंकि दोनों AWM प्लेयर है। लेकिन जो भी हो इसमें जनता को बहुत ही ज्यादा मजा आता है, और ज्ञान के वो वर्ड उनका क्या ही कहना। अच्छा ज्ञान ये पिकाचू लोग क्या है, ज्ञान ये व्हाइट 444 के सपोर्टर है वो क्या है, वो रॉक के फैन क्या है, ज्ञान वो अज्जू भाई नहीं भाई अज्जू भाई बोलो, ठीक है वो लोरू भाई का जनता क्या है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ जानी, तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूँ। अब यार इतना तो मुझे पता है कि ज्ञान का शकल भैंसों वाली है, बट यार ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज्ञान का जो दिमाग है वो भी भैंसों वाली है। अच्छा तुम लोगों को क्या लगता है मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना। और भाई ये सब तो होता ही रहता है फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर, तो ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत है नहीं। तो भाई अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज यार, कर ही देना। और भाई अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड लोगों के पास भी शेयर कर देना, क्योंकि अकेले अकेले किसी भी चीज का मजा लेना ना बहुत गलत बात होता है। भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।